नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर पिछले दो तीन दिनों से जारी हाई वोल्टेज जो ड्रामा था वो अब थम गया है। वोटिंग से पहले इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं भाजपा की इस जीत पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए मैच फिक्सिंग के प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा एमएसएमई मालिकों और व्यापारिक समुदाय से गुस्से से डर गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सूरत लोकसभा सीट पर भी मैच फिक्सिंग का प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में ये बात कही है कि सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने तीन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर से सत्यापन में गलती पाए जाने के कारण सूरत लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन को खारिज कर दिया है। अधिकारी ने कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी खारिज कर दिया है, जिसके कारण कांग्रेस इस सीट पर बिना उम्मीदवार के रह गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उम्मीदवार को छोड़कर सभी उम्मीदवारों ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और मतदान से लगभग दो सप्ताह पहले ही भाजपा उम्मीदवार को इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जयराम रमेश ने इस मामले पर आगे बताया है कि भाजपा एमएसएमई मालिकों और व्यापारी के समुदाय के गुस्से से डरी हुई है, इसके कारण ही ये लोग मैच फिक्सिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सभी जो है ये खतरे में है। उन्होंने बताया कि ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है 2024 का। तो कैसे लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।